नमस्कार शर्मा जी, एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जनरल फिजिक्स का जो ये कोर्स है, इसमें ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका पहला पार्ट हमने बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस टॉपिक पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम इस पर यहाँ पर कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट रिलेशनशिप, इनमें से आप सही संबंध बताइए कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो है वो है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। सेकेंड ऑप्शन है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड है यहाँ पर जी इज इक्वल टू जी, एंड फोर्थ है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो सही रिलेशन हमें यहाँ पर बताना है। तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एफ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी एफ टी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन दैम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, ठीक है, और उनके जो मास हैं, उनके जो द्रव्यमान हैं, उनको आधा कर दिया जाता है, तो और उनकी दूरी को कोई भी दूरी में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा। तो हमें बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं एफ वाई फोर, एफ वाई टू, एफ एंड टू एफ। तो एफ हमने देखा था अभी, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। तो अगर हम इसको आधा करते हैं तो ये हो जाएगा M1 अपॉन 2, ठीक है, और इन टू में हो जाएगा M2 अपॉन 2। तो M1 M2 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 अगर आ रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब है जो फोर्स है वो एक चौथाई हो रहा है, यानी कि 1/4 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय इज रिलिंग ए स्टोन टाइट विद द स्ट्रिंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द स्ट्रिंग ब्रेक द स्टोन। अगर कोई भी एक लड़का एक स्ट्रिंग में पत्थर को बांध के घुमा रहा है, एक धागे में पत्थर को बांध के घुमा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर, तो उस अगर स्ट्रिंग को रोक देता है तो स्टोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, विल कंटिन्यू द मूव इन द सर्कुलर पाथ, जो वो स्टोन है पत्थर है क्या वो सर्कुलर पाथ पर लगातार घूमता रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो पत्थर है वो स्ट्रेट लाइन की ओर गति करेगा किसी भी सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ में। अगला है इसमें ऑप्शन, विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, तो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे, टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी उसके डायरेक्शन को। थर्ड ऑप्शन इसमें, फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रखा है कि विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ अवे फ्रॉम द बॉय। तो या फिर ऐसा होगा कि जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा वो जो कि सर्कुलर पाथ है उसके लंबवत होगा बच्चे से दूर की ओर, लड़के से दूर की ओर। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंशियल लाइन जो होती है वो ये शो करती है कि उसकी डायरेक्शन किस ओर है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An object is put one by one in three liquid having different densities. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक एक करके तीन अलग अलग प्रकार की लिक्विड में रखा जाता है जिनकी डेंसिटीज अलग अलग है, तो द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/9, 2/11 एंड 3/7 पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन द लिक्विड ऑफ लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी D1, D2 एंड D3 रेस्पेक्टिवली। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका 1/9, 2/9 और 3/9 भाग
जो उसके आयतन का इतना इतना भाग है वो लिक्विड के सरफेस से बाहर की ओर दिखता है। यदि उनकी जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी D1, D2 और D3 दे रखी है तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर D2 इज लेस देन D1 एंड ग्रेटर देन D3। सेकेंड है यहाँ पर D2 इज लेस देन D1 एंड लेस देन D3। थर्ड है यहाँ पर D2 इज ग्रेटर देन D1 एंड ग्रेटर देन D3। फोर्थ है यहाँ पर D2 इज ग्रेटर देन D1 एंड लेस देन D3। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर किसी लिक्विड में वो डाला जाता है और उसका अधिकतम भाग उस सरफेस से ऊपर की ओर रहता है तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी वो अधिक है। ठीक है, अगर उसका कम भाग बाहर की ओर रहता है सरफेस से तो इसका मतलब है लिक्विड की डेंसिटी कम है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तीन मान जो दे रखे हैं 1/9, 2/11 एंड 3/7, तो इनमें से 3/7 जो है वो अधिक है, ठीक है, और 2/11 इससे कम है और उसके बाद आता है 1/9। तो ये जो तीन मान है इसमें से 3/7 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब D3 की डेंसिटी, जो D3 डेंसिटी है उस लिक्विड की डेंसिटी D3 ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है 2/11, इसका मतलब है D2 उससे कम, और उसके बाद आता है 1/9, इसका मतलब D1 उससे भी कम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है D2 इज ग्रेटर देन D1 एंड लेस देन D3, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ G इज, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी उसका एसआई यूनिट कितनी होती है, उसकी एसआई यूनिट कितनी होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, नो यूनिट या फिर नन ऑफ दीज। तो बताना है आप, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है वो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, जबकि ये यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। सेकेंड यहाँ पर जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जी इज इक्वल टू था एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 into m2। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो यह निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द सेम सम डिस्टेंस, कोई भी जो दो पार्टिकल हैं वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल टू पार्टिकल्स इज डबल, अगर प्रत्येक दो जो पार्टिकल हैं उनके मास को डबल कर दिया जाए, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, और उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखा जाए, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 1/4 times या फिर 1/2 times और या फिर अनचेंज। तो देखिए जो एफ है, एफ डिपेंड करता है कि दोनों मासेज हैं उनके प्रोडक्ट का मान कितना है। तो प्रोडक्ट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर मास को दोगुना कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, तो 2m1 into 2m2। तो अगर हम करेंगे यहाँ पर तो f इज इक्वल हो जाएगा 4m1 m2। तो 4 यानी कि 4 मल्टीपल हो रहा है 4 times, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो 4 times इसका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r। तो किसी भी अर्थ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि पृथ्वी के केंद्र में रखा हुआ है जिसकी रेडियस r है, तो उसका वेट कितना होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर 0, इन्फाइनाइट, r टाइम्स ऑफ वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, 1/r² टाइम्स द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कोई भी रेडियस, कोई भी r रेडियस का की अर्थ है, उसके केंद्र में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो केंद्र में जो g होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। और वेट जब हम निकालते हैं तो वेट होता है m into g। ठीक है, तो m into g अगर हम करेंगे तो g की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगी 0। तो g की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो जो वेट है वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। मतलब अर्थ के केंद्र में, सेंटर में
जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो जीरो होता है. ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है यहाँ पर, ए गर्ल स्टैंड ऑन द बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन द थ्री वेज. तो कोई भी एक लड़की है एक बॉक्स पर खड़ी हुई है जिसका जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी है 40 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है. तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इनमें से किस स्थिति में प्रेशर एग्जर्ट बाय द ब्रिक विल बी. तो ब्रिक के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इनमें से किस केस में होगा. तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस, अधिकतम होगा यदि हम लेंथ और ब्रेथ को बेस से लेते हैं, उसके आधार से लेते हैं. सेकंड है यहाँ पर मैक्सिमम व्हेन द ब्रेथ एंड विड्थ फ्रॉम द बेस, अधिकतम होगा यदि हम उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को आधार से लेते हैं. मैक्सिमम व्हेन द विड्थ एंड लेंथ फ्रॉम द बेस, मैक्सिमम होगा यदि हम उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई को बेस से लेते हैं. तो देखिए क्या होता है कि जब भी एरिया जो होता है वो कम होता है तो प्रेशर अधिक लगता है, क्योंकि एफ जो पी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, यानी कि एरिया के. ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. तो एरिया कम कब होगा, जब हम यहाँ पर बेस में ब्रेथ एंड विड्थ को लेंगे. तो ब्रेथ एंड विड्थ किस में आ रहा है, देखिए मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ फ्रॉम द बेस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी, जो जी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है. तो ये एक कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू निश्चित ही होती है. तो पहला है यहाँ पर ऑप्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, थर्ड है यहाँ पर 6.673 न्यूटन और फोर्थ यहाँ पर लिख रखा है 9.8 न्यूटन. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है फोर्स, डिस्टेंस एंड जो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस पर. तो हमने देखा था अभी जो फॉर्मूला था जी का वो था एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2. ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दैट मीन्स अगर हम f की वैल्यू देखते हैं तो वो यही मान निकल के आता है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्रीज बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल. तो जो एप्पल है सेब है वो पृथ्वी पर पेड़ से गिरता है पृथ्वी पर क्योंकि एप्पल और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है इसी में लिखा हुआ इफ एफ वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल, अगर एफ वन पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल है एप्पल पर या सेब पर एंड एफ टू इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाई एप्पल ऑन द अर्थ, और एफ टू जो है वो फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है एप्पल के द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो पहला है यहाँ पर एफ वन इज वेरी मच ग्रेटर देन एफ टू, जो एफ वन का मान है वो बहुत अधिक है एफ टू से. सेकेंड है यहाँ पर एफ टू इज वेरी मच ग्रेटर देन एफ वन, एफ टू का मान ज़्यादा है एफ वन से. थर्ड है यहाँ पर एफ वन इज ओनली लिटिल ग्रेटर देन एफ टू, और एफ वन का मान कुछ ही ज़्यादा है एफ टू से. और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एफ वन एंड एफ टू आर इक्वल. तो देखिए हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा क्योंकि पृथ्वी बड़ी है तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, एप्पल छोटा सा है तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कम होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है. तो दोनों मासेस का प्रोडक्ट जो है उसमें अर्थ का मास और जो एप्पल है उसका मास, दोनों ही मास आ जाएंगे. तो इसका मतलब जो एफ वन है वो इक्वल होगा किसके, एफ टू के. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ अपथ्रस्ट यू इज इक्वल टू वन फोर्थ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, तो जो उत्प्लावक बल है यू वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक चौथाई भाग है एयर में, ठीक है। तो आपको बताना है कि लिक्विड में देन द वेट फेल्ट इन द लिक्विड, तो लिक्विड में वो अपना बल कितना महसूस करेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1/4W, 3/4W, 1/2W या फिर 2W। 2W का मतलब वेट का एक चौथाई भाग, वेट का 3/4 भाग, वेट का 1/2 भाग या फिर वेट का 2 गुना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की ओर होगा, जबकि जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो W इज इक्वल टू निकलेगा W माइनस W अपॉन 4, ठीक है, W माइनस W अपॉन 4। तो इस तरीके से जब हम इसका मान लिखेंगे तो वो निकल के आएगा 3/4W। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 3/4W। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज बेस्ट गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी अर्थ और ऑब्जेक्ट, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो किस फॉर्मूले के द्वारा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन से यहाँ पर दे रखे हैं एफ इज इक्वल टू एम जी, नेक्स्ट है यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, थर्ड यहाँ पर दे रखा है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और फोर्थ यहाँ पर दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड दोनों मासेज जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू या जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर प्लैनेट्स ए बी सी एंड डी मेड अप ऑफ सम मटेरियल हैव रेडियस ऑफ आर बाई टू, आर, 2R एंड 4R रेस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपके पास चार प्लैनेट ए बी सी एंड डी जो कि एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं और उनकी रेडियस दे रखी है आर बाई टू, आर और 2R और 4R, ठीक है। आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके इस पर लगेगा उसके कारण जो एक्सीलरेशन होगा वो इनमें से कौन सा सही है, मतलब जो यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है तो कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो देखिए पहला है ए बी सी डी, मतलब ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ए का कम होगा, फिर बी का ज़्यादा होगा, उसके बाद सी, फिर डी। इसके ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है बी सी डी ए, ए सी बी डी या फिर डी सी बी ए। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर रेडियस जो है वो आर बाई टू पहले प्लैनेट की ए की कम है, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो रेडियस अगर कम है तो रेडियस कम होने से क्या हो जाएगा, उसका एक्सीलरेशन कम होगा, दैट मीन्स ए, उसके बाद आएगा यहाँ पर आर है तो बी, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो एक्सीलरेशन निकल के आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो आता है ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो कौन से स्टेटमेंट को यहाँ पर बताता है, तो देखिए पहला यहाँ पर द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, तो एक फोर्स जो कि हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ और प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये एक फोर्स है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, अन्य प्लैनेट हैं, उनको गति प्रदान करता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मून एंड सन के बीच जो टाइड को टाइड करता है, तो ये एक फोर्स है। तो ऑल ऑफ दीज, तो देखिए क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, बिल्कुल ठीक है, और जो
चंद्रमा की गति है पृथ्वी के चारों ओर, वो इसके लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल ठीक है। और जो सन एंड मून है उनको आपस में बांधे रखता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू, कीप स्माइलिंग। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है शर्मा जी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो हमारे जो वीडियोज़ हैं, जो आपको कोर्सेज हैं, लेसन्स हैं, वो आपको टाइम से मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम यहाँ पर कई सारे इसी आधार पर वीडियोज़ डालते रहते हैं, आपके जो फिजिक्स से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है, या फिर जीके से संबंधित है, तो आपको इसी चैनल पर सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।